अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, वेलकम बैक टू दुबई वीलॉग सीरीज। और आज हम जा रहे हैं द राइप मार्केट, विच इज़ लोकेटेड इन एकेडमी पार्क, राइट ऑपोजिट टू मॉल ऑफ एमिरेट्स। तो यहाँ से हमने मेट्रो की टिकट ली, और टिकट तो नहीं, आई हैड कार्ड, और इसमें हमने बैलेंस करवाया और हम मेट्रो चले गए। मेट्रो से मैं दो तीन स्टॉप्स पर उतरी सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि हाउ प्रिटी दुबई इज़। और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू था। और वापसी पे जो है मैंने एक मिस्टेक भी की, बट उससे मैंने ये था कि कैप्चर अच्छा कर लिया जो भी दुबई का व्यू था और वह सारा कुछ था। तो चलें जी, सीधा हम राइप मार्केट, ये मैं उतर गई मॉल ऑफ एमिरेट्स वाले मेट्रो स्टेशन पर। इसके बाद यहाँ से मुझे काफ़ी सारा चलना पड़ा, धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, और बट क्या करें, घूमना फिरना तो मस्ट होता है क्योंकि पूरा वीक आप जो है ना ग्राइंडिंग सिचुएशन में होते हैं, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए निकलना पड़ता है। इट्स ओके, मेरे पास इस टाइम कोई व्हीकल नहीं है, कुछ नहीं है, तो धूप का मज़ा लो। दुबई की धूप जो है ना सीधी तेज़ होती है। सो खैर, यहाँ से काफ़ी सारा चलने के बाद मुझे कोई असरात नज़र आए कि राइट मार्केट नहीं घूमना है, तो मैं काफ़ी आगे चली गई। वहाँ से मुझे किसी ने बताया कि आप यहाँ से वापस जाएँ और जो है पुलिस एकेडमी से आप एंटर होंगी, और वहाँ से जो है आपको रास्ता अंदर का मिल जाएगा। तो यहाँ मैं खैर आपको बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ पे मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। सो यहाँ से चलते हुए काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा मुझे, और अंदर फिर उसके बाद मुझे एंट्रेंस का रास्ता मिला। सो आई एंटर्ड हेयर, और यहाँ पे एंट्रेंस जो है वो 5 पिरामिड की एंट्रेंस थी। टिकट लिया और हम अंदर चले गए। यहाँ पे वाईफाई आपको फ्री में मिल जाता है, आप वहाँ पर बैठ जाएँ, इन्जॉय करें। सो मैं काफ़ी सुबह में चली गई थी, लाइक इट वॉज अराउंड 1:32 का टाइम था, लेकिन ये था कि मैंने इन्जॉय किया चीज़ों को। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स थे, बट दे आर बिट एक्सपेंसिव। मैंने इनकी स्वीट्स भी ट्राई की, दे वर टू गुड। और यहाँ बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी। आई वुड रिकमेंड कि इफ़ यू आर इन दुबई तो डू गो टू राइप मार्केट, यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, पेंटिंग, टॉय, सैंड, उसके अलावा ग्लिटर बाथ, और वो सारा कुछ जो है ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है। पेट्स भी हैं यहाँ पर, एनिमल्स, कुछ रेप्टाइल्स भी इन्होंने रखे हुए हैं। यहाँ पर हॉर्सेस भी थे, मुझे हॉर्सेस बाद में नज़र आए जब मैं बाहर चली गई, सो आई कुड नॉट एंटर। तो वहाँ पर मैंने हॉर्सेस बाद में देखे, सो मैंने आपको दिखाए नहीं, वो एक अलग चीज़ है। बट आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे काफ़ी सारे हॉर्सेस भी थे, ये पैरट्स हैं, यहाँ पे टर्टल्स, बहुत बड़े बड़े टर्टल्स रखे हुए थे इन्होंने, और ओके जनाब, तो यहाँ मैंने एक स्टॉल देखा था ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे ही पहले देख रखा था। दैट वाज अ हॉलीडे शॉप, जो कि मैंने अपने शॉर्ट्स में पहले ही डाल दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो वो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे वे ओकेजनली जो है हॉलीडेज़ के अकॉर्डिंगली वो लोग अपनी शॉप का थीम चेंज करते हैं, और ये राइप मार्केट हर सैटरडे संडे को लगती है, और यहाँ पे काफ़ी सारे ये वाली शॉप थी, और इसमें इन्होंने अभी हैलोवीन का थीम दिया हुआ था। थिंग्स वर सो गुड, मुझे बहुत अट्रैक्ट की ये शॉप, और उन्होंने इसलिए इसका प्रॉपर अलग से उनको टैग भी किया इंस्टाग्राम पे। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो अभी भी कीजिएगा। और ये भी था एक, उनको भी मैंने इंस्टाग्राम पे इनवाइट किया था, उनके भी काफ़ी अच्छे कपड़े थे, दे वर टू सॉफ्ट, कॉटन से 2x सॉफ्ट उनका स्टफ था। सो ये कुछ स्टॉल्स की मैंने वीडियोस लगाई जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे। यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की, ये लोग यहाँ से दुबई का हेलीकॉप्टर टूर भी करवाते हैं। मैंने शो करवाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत दूर खड़ा हुआ था, इसलिए मैं उसको दिखा नहीं सकती। सो ये था यहाँ तक का ट्रैवल,
और इसके बाद अभी टाइम इतना नहीं हुआ था, सो आई थॉट टू गो मॉल ऑफ एमिरेट्स, क्योंकि वो यहाँ इसके बिल्कुल ऑपोजिट ही है मेट्रो स्टेशन से, मैं डायरेक्ट मॉल ऑफ एमिरेट्स जा सकती थी, तो आई हैड गॉन फॉर दैट। लेकिन आप मॉल ऑफ एमिरेट्स में हमने क्या एक्टिविटीज़ की वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।